राजस्थान में चुनावी बिगुल के बीच 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कैसे ईवीएम चलेगी, कैसे काम करना है और अलग अलग मशीन में अगर दिक्कत आए तो क्या करना है, ऐसी तमाम बातों को लेकर विभिन्न मतदान केंद्रों पर स्वच्छ और निर्भीक प्रक्रिया से चुनाव संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देशन में महाराणा प्रताप कॉलेज में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें आज करीब 1600 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया है। जो अपने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से जितने भी अपनी पोलिंग पार्टीज के अंदर लोग जाएंगे उनसे 1.3 times यानी 130% लोगों का यहाँ पे प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के अंदर इनको सारी की सारी जो मतदान की अपनी प्रक्रिया है उसको शुरू से लेके ए से लेके जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी यहाँ पे समझाई जा रही है। एक पार्टी के आपके यहाँ पे कुल मिला के 32 बैच बने हुए हैं। प्रत्येक बैच का एक फर्स्ट हाफ में तो आपका या एक हाफ में आपका थ्योरी का कंपोनेंट होगा और उसके बाद में सेकेंड हाफ के अंदर आपका प्रैक्टिकल का कंपोनेंट होगा। तो और इस तरह से 16 बैचों का आपका शुरू में थ्योरी है और दोपहर बाद प्रैक्टिकल है और 16 का पहले प्रैक्टिकल है और दोपहर बाद थ्योरी है। इस तरीके से 5 दिन लगातार ये ट्रेनिंग चलेगी ताकि जो है सभी जो हमारे कार्मिक हैं, सभी जो लोग हैं जो निर्वाचन की प्रक्रिया के अंदर शामिल होने जा रहे हैं उन सभी को प्रॉपरली ट्रेन किया जा सके। ये प्रथम प्रशिक्षण है, इसके बाद में इनका सेकेंड प्रशिक्षण और फिर एक थर्ड प्रशिक्षण और जो है होल्ड किया जाएगा।